हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेटिंग ऑल। ये नेक्स्ट हमारी क्वेरी की वीडियो है, तो इसमें आपके ज़्यादातर जो मोस्टली डाउट्स आए उन्हें क्लियर करूँगा, क्योंकि रिप्लाई करने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। और यार कुछ दिनों से डिसकंटिन्यूस हो रहा हूँ, वीडियो बनाने में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो मैं तो बिज़ी हूँ काफ़ी उसके चक्कर में, तो वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ रेगुलरली। लेकिन हर जितना भी मुझे जैसे भी टाइम मिल रहा है, जहाँ पे भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो एक आध दिन में ये प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगी और वीडियो आपके लिए रेगुलर मैं कर दूंगा। तो सबसे पहले आज क्वेरी सेशन का, क्योंकि यार क्वेरी सेशन मैं कहीं पे भी बना देता हूँ, मुझे आपका बिल्कुल भी कंटेंट के लिए मतलब बहुत ज़्यादा वो नहीं करनी पड़ती और आपके डाउट्स क्लियर कर देता हूँ। और उसका क्वेरी सेशन का मेन एम ये भी होता है, मैं आपका रिप्लाई नहीं कर पाता कमेंट्स के, तो आपको ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँ। क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट के, यार एक स्टूडेंट का जो डाउट है वो ज़रूर किसी ना किसी और स्टूडेंट का भी होगा। जो एक स्टूडेंट से डाउट आ रहा है, ऐसा नहीं है वो उसी का यूनिक डाउट है और किसी का नहीं होगा, होगा जरूर। जैसे फीस वाला था, उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो ही बना दी, वो इतने स्टूडेंट्स का डाउट था। जैसे सारे स्टूडेंट्स अपनी रैंक होता है, NIT IIT मिलेगा नहीं मिलेगा, उसका डाउट पूछ रहे थे। तो लास्ट वीडियो में मैंने एक आपको ऐप बताया, जेई मेन कॉलेज प्रेडिक्टर नाम का, तो उससे आपकी जो प्रॉब्लम थी वो शॉर्ट आउट करी। तो ऐसे आपके कॉमन डाउट्स होते हैं तो वो इससे क्लियर हो जाते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसी संजू बिजालवान ने पूछा है, उत्तराखंड के बारे में ही वीडियो बनाओ सर, तो वीडियो के बारे में क्या, ओके बना देंगे। नेक्स्ट कुणाल तुलसी दासानी, परसेंटाइल 98.74, ओके। जनरल रैंक CRL रैंक, ये जनरल रूरल्स रैंक, ये बॉट कॉलेज का NIT। यार आपको कोई भी अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, एक बार आप स्टेट और बता दीजिए तो आपको स्टेट का NIT अच्छे से मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। प्लीज़ रिप्लाई, यार आप कमेंट में बता दिया करो अपना रिप्लाई, ये मत लिखा करो कोई प्लीज़ रिप्लाई, या रिप्लाई तो करते नहीं है ये सब, उसकी जगह अपना यार डाउट लिखा करो। अगर मैं उसे देखूंगा अभी तो कम से कम आपका डाउट जो क्लियर कर दूं, चाहे उसके बाद लिख दिया करो डाउट के ऊपर या डाउट के नीचे, डाउट जरूर लिखा करो वहीं पे। नेक्स्ट आपका इसमें त्रबाडिया, आई हैव गॉट 76% एंड आई एम इन जनरल कैटेगरी, सजेस्ट कॉलेज। स्टेट बता देना यार, जब सजेस्ट करूंगा इस वीडियो के कमेंट में करके बताना तो मैं बता दूंगा। तबरेज आलम 87% OBC बिहार, तो आपके लिए मैं वीडियो बना दूंगा बिहार के कॉलेजेस की परसेंटाइल वाइज, और आपको मैं कॉलेज बता देता हूँ कौन कौन से मिल जाएंगे। काफ़ी सारे यार बिहार में कॉलेज, आप NIT के लिए भी ट्राई कीजिए, आप IIIT भागलपुर वगैरह के लिए ट्राई कीजिए, आपको मिल जाएंगे। और बाकी स्टेट कॉलेज जो हैं बिहार के, उनके लिए ट्राई कीजिए, मैंने काफ़ी वीडियो स्टेट कॉलेज पे बना रखे हैं और भी बना दूंगा। नेक्स्ट किसी श्वेता सिंह ने पूछा, HBTU में आउटसाइड UP वाले स्टूडेंट्स एडमिशन नहीं ले सकते हैं क्या? यार जो HBTU का वो क्राइटेरिया, वो JEE Mains से डायरेक्ट एडमिशन होता है। जिसको भी HBTU के बारे में कन्फ्यूजन है, HBTU में एडमिशन लेता है चाहे वो आउटसाइड स्टेट का, मैं कहूँगा यार एक बार जाके मिलो, क्योंकि एडमिशन मिल जाता है आउटसाइड स्टेट्स वालों को भी। ये मतलब मिथ बना रखा है, क्योंकि जनरली UP वाले लेते हैं, UP में ये कॉलेज कानपुर में, तो वही लेते हैं, तो ऐसा मिथ बना रखा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया में ऐसा कोई कॉलेज नहीं है एक्सेप्ट कुछ स्टेट्स में, बात नहीं करूँ, तो वहाँ पे आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि इस स्टेट में तो इसी स्टेट के लेंगे, हाँ सीट फिक्स रहती हैं, ये मैं मानता हूँ सीट फिक्स रहती हैं, लेकिन आउटसाइड स्टेट के भी एडमिशन ले लेते हैं। तो आप एक बार डायरेक्टली जाओ यार, HBTU ऐसा कॉलेज नहीं है कि उसकी कोई काउंसलिंग वगैरह होगी, आप डायरेक्टली जाओ उसमें, काफ़ी अच्छा कॉलेज है, कॉलेज अच्छा है, डायरेक्ट की कोई बात नहीं है, कॉलेज काफ़ी अच्छा है, हार्वर्ड बटलर टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट किसी सरिता ने पूछा है, हैदराबाद बोला होगा उन्होंने, हैदराबाद में हैं कॉलेजेस ये मेंस रैंक से, हाँ JEE Mains स्कोर से मिलेंगे आपको। नेक्स्ट अनिकेत आनंद, सर आई एम फ्रॉम बिहार, आई गॉट 65% मेंस एज ए जनरल कैटेगरी, वुड आई गो फॉर जोसा काउंसलिंग? जोसा काउंसलिंग से आपका बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला, मैं यही कहूँगा ना जाएं। और वैसे फीस नहीं है जोसा काउंसलिंग में, तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कीजिए, कॉलेज को फिल कीजिए, ज़्यादातर लोअर कॉलेज को फिल कीजिए, देखते हैं फिर क्या होता है। चलो जैसे कि फीस तो है ही नहीं, तो सब फिल कर दो, जिसकी मतलब ज़्यादा ही कम है 40-50 तो वो तो ना करें, लेकिन जिसकी 60 से भी ऊपर है चलो कर दो, कुछ ना कुछ देखते हैं क्या होता है। लोअर ब्रांच, लोअर NIT IIIT, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो हो सकता है, उसके बाद CSAB में ट्राई कीजिए। नेक्स्ट अभिषेक आदित्य, हाउ टू गेट एडमिशन है ITM ग्वालियर? ITM ग्वालियर में एडमिशन काउंसलिंग के थ्रू मिलता है और डायरेक्ट मिलता है, मैं कहूँगा आप डायरेक्ट जाके देखिए। नेक्स्ट, झारखंड का ऑनलाइन काउंसलिंग स्टार्ट कब से हो रहा है? झारखंड का ऑनलाइन काउंसलिंग, चलो मैं बताऊँगा आपको अब, क्योंकि इतने सारे स्टेट्स हैं मुझे एकदम से तो याद नहीं रहता, मैं बता दूंगा। सर रिप्लाई करो, रिप्लाई क्या करें, डाउट्स पूछते डायरेक्ट। नेक्स्ट अजीत मंडल ने पूछा, माई परसेंटाइल इज 82, आई एम फ्रॉम झारखंड एंड आई एम फ्रॉम OBC कैटेगरी, विच कॉलेज आई हैव टू फेल? यार झारखंड की मैंने काफ़ी वीडियोज़ बनाई हैं, मैंने लास्ट एक या दो वीडियो से पहले बनाई थी आपके स्टेट कॉलेजेस के बारे में, स्टेट काउंसलिंग कॉलेजेस है वो, आप देख सकते हैं, थोड़ा रिसेंट में इस वीडियो से थोड़ा एक दो नीचे होगी, तो उसमें आप देखिए, उसमें मैंने झारखंड के कॉलेज के बारे में बताया है, वो कॉलेज आप देख सकते हैं। नेक्स्ट निखिल कुमार, IIT कानपुर की ई बेटर और IIT खड़गपुर की ई? IIT कानपुर और IIT खड़गपुर में यार दोनों अच्छी हैं, आपको जो मिल जाए, बाकी थोड़ा स्लाइटली जो बेटर मैं कहूँगा वो आपका IIT कानपुर की कह दूंगा, बाकी ऐसा कोई खास कंपेरिजन है, आपकी दोनों बढ़िया हैं।
मैं बहुत ज़्यादा किसी को क्रिटिसाइज या कुछ नहीं करूँगा। नेक्स्ट है समर संप्रीत दास सर, एस सी रैंक ये परसेंटाइल दिस वेस्ट बंगाल, आई वॉन्ट सी एस सी और आई टी, कैन आई गेट एनी लो एन आई टी इन जोसा, या लो एन आई टी मिल जाएगी आपको, मिल जाएगी लो एन आई टी, एन आई टी अगरतला मिल जाएगी, एन आई टी अगरतला आपको मिल जाएगी, और भी कोई लो एन आई टी मिल सकती है ट्राई कीजिए, लो ट्रिपल आई टी मिल सकती है, और अदर्स आई ऑल्सो गिवन डब्ल्यू बी जेई, डब्ल्यू बी जेई का स्कोर बता देना यार अपना। नेक्स्ट है मुकुल, मुकुल 76.113% है एस सी कैटेगरी, बिहार से हूँ, महाराष्ट्र में कोई कॉलेज मिलेगा सर? मिल जाएगा, प्राइवेट कॉलेजेस और स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकते हैं, स्टेट काउंसलिंग के लिए ट्राई कीजिए। नेक्स्ट है सर माई रैंक इज दिस इन परसेंटाइल दिस एच पी स्टेट, विच कॉलेज एंड ब्रांच शुड आई गेट, इसमें क्या लिखा है 11053, समझ में नहीं आ रहा कुछ, ऐसा लिखा है माई रैंक इज 111053% है, ये कैसे आ गई? चलो यार मेरे आपका डाउट समझ में नहीं आया, आप दोबारा पूछना। नेक्स्ट है कृष्णा कश्यप, स्टेट यूपी परसेंटाइल दिस कास्ट ओबीसी, सर कैन आई गेट एन आई टी ट्रिपल आई टी इन सी एस और ब्रांच विच कॉलेज, सी एस से में तो नहीं मिलेगा, सी एस में आपको एन आई टी ट्रिपल आई टी नहीं मिलेगा, ट्राई कीजिए स्टेट बताना अपनी, किसी और ब्रांच में मिल सकता, हो सकता है सी सेब से किसी और ब्रांच में मिल जाए, सी एस से नहीं मिलने वाला, सी एस से तो सी सेब में भी नहीं मिलेगा यार। आशीष ने पूछा 81% एस सी कैटेगरी फ्रॉम यूपी, कौन सा कॉलेज मिलेगा बताना भाई प्लीज़। ओके स्टेट काउंसलिंग में यार आपको कॉलेज ही मिल जाएंगे, कैटेगरी एस सी है, बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ नहीं जाएगी आपको, स्टेट काउंसलिंग मिल जाएंगे, और आपने यूपीटीयू का एग्ज़ाम दिया हो वो भी बताना, और आसपास की स्टेट में स्टेट काउंसलिंग में देखो, और जेईई मेंस से भी आप ट्राई करो, मिल जाएगा। नेक्स्ट है राहुल राजू, भैया मेरा 94% आई एम फ्रॉम ओबीसी कैटेगरी स्टेट बिहार, विच एन आई टी ट्रिपल आई टी, स्टेट बिहार या एन आई टी पटना फिल कीजिए, बाकी लोअर एन आई टी ट्रिपल आई टीज आपको इजीली मिल जाएंगे, सारे ट्रिपल आई टीज फिल कीजिए आपको कॉलेज मिल जाएगा। अच्छा नेक्स्ट है शाश्वत शेखर, आई गेव 12th दिस ईयर जेईई मेन परसेंटाइल 89 स्टेट बिहार कैटेगरी जनरल, प्लीज सजेस्ट मी ट्रिपल आई टीज विच आई कैन गेट, आपको ट्रिपल आई टी भागलपुर भोपाल नॉर्थ ईस्ट के ट्रिपल आई टीज, ये सब ट्रिपल आई टीज मिल सकते हैं। नेक्स्ट है अवामान सर, आई स्कोर 69.2% इन बोर्ड एंड 58% इन जेईई मेन्स फ्रॉम एस टी कैटेगरी, माई फैमिली इनकम इज 3 लाख, यार आप अपनी स्टेट बताना जब भी मैं बताऊंगा आपके लिए कॉलेजेस। नेक्स्ट है प्रथम जयसवाल, भैया एरोस्पेस इंजीनियरिंग के बारे में वीडियो डालिए। ओके एरोस्पेस इंजीनियरिंग और आपका कमर्शियल पायलट वगैरह, यार ये जो इंजीनियरिंग होती है थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो इसके बारे में वीडियो बना दूंगा आप कह रहे हैं तो, और स्टूडेंट्स को चाहिए वो भी कमेंट करना, तो मैं वीडियो जल्दी लाऊंगा ज़्यादा स्टूडेंट्स के कमेंट आए तो। एरोस्पेस इंजीनियरिंग की मैं वीडियो बना दूंगा, इंडिया में बहुत ही कम कॉलेजेस हैं जो एरोस्पेस इंजीनियरिंग कराते हैं। नेक्स्ट है आपका पर्थ अहलूवालिया ने पूछा, हाउ इज थापड़, थापड़ इज गुड, बिट्स प्लानी एट लो परसेंटाइल, हा बिट्स प्लानी एट लो परसेंटाइल, देखो बिट्स प्लानी यार लो परसेंटाइल नहीं है, बिट्स प्लानी जो लो परसेंटाइल है, बिट्स प्लानी का अपना एग्जाम है बिट सेट, लो परसेंटाइल नहीं, एनआईटी के जो आपका जो जेईई मेंस का एग्जाम होता है उससे नहीं मिलेगा आपको बिट्स प्लानी, बिट सेट से मिलता है, हो सकता है मैंने उसमें लो परसेंटाइल लिख दिया हो तो और कॉलेजेस के लिए लिखा होगा टॉप प्राइवेट कॉलेजेस से, तो इसलिए मैंने बिट्स प्लान ले लिया था उसमें। नेक्स्ट है अरात्रिका सिंह सर, माई सी आर एल इज 51,500 जनरल ई डब्ल्यू स्टेट उत्तर प्रदेश, एन आई टी ट्रिपल आई टी और जी एफ टी आई कैंडिडेट, आपको मिल जाएगा स्टेट का एन आई टी, यानी कि आपको जो एम एन आई टी इलाहाबाद है ट्रिपल आई टीज फिल कीजिए मिल जाएगा, और जी एफ टी आईज भी फिल कीजिए तो आपको कॉलेज मिल जाएगा यार, रैंक सही है, ज़्यादा टेंशन मतलब मिल जाएगा भाई। एक सेपरेट वीडियो बनाओ जिसमें सारे लो परसेंटाइल के कॉलेज हों, प्लीज़ जल्दी बनाओ, ये मैं सोच रहा था, ये जिसने पूछा है बूस्ट नॉलेज ने काफ़ी सही बताया है, पूछा नहीं है बताया है, हाँ तो ये मैं सोच रहा था एक वीडियो बनाई जाए यार थोड़े हमारे गरीब स्टूडेंट्स के, गरीब इन द सेंस जिनकी परसेंटाइल कम आई है, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए एक वीडियो बनाई जाए जो कम परसेंटाइल पे मिल जाए, तो मैं बनाऊंगा। आशीष रंजन 94.12% ओबीसी जनरल और ओबीसी रैंक ये है, जनरल रैंक ये है झारखंड, प्लीज़ हेल्प इन चॉइस फिलिंग, ओके चॉइस फिलिंग में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट है आपका माई डॉटर रैंक जेईई मेंस 24,000, यार आपको एक लोगों को एक और बात बतानी थी, किसी ने मेरे ईमेल पे मेल किया, आप कुछ दिन से 2-3-4-5 मेल आ जाते हैं, आप उसमें अपने डाउट पूछा, यार ईमेल पे आप डाउट ना पूछा करें, क्योंकि मैं मेल पे कोई आपका डाउट क्लियर नहीं करूँगा ना ही रिप्लाई करूँगा यार, क्योंकि ईमेल बॉक्स आप भी जानते हैं किसी ऑफिशियल वर्क के लिए होता है, अगर उस पर भी हज़ारों लोगों के 100 लोगों के एकदम से कमेंट आएंगे और मतलब वो मेल भेजेंगे, तो मैं क्या मतलब ईमेल पे मैं कोई आपका रिप्लाई नहीं करूँगा, आपके जो भी मैं डाउट्स क्लियर करूँगा इस कमेंट सेक्शन में ही करूँगा, वीडियोस के कमेंट सेक्शन में, और उसकी क्वेरीज की वीडियो बनाकर और आपको इंडिविजुअली रिप्लाई करके कमेंट सेक्शन में, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछा करें, मेल वगैरह ना करें। नेक्स्ट मतलब अंजलि अग्रवाल का जो डाउट था, माई डॉटर रैंक जेईई मेंस 24,000 कैटेगरी जनरल स्टेट एमपी, क्या केमिकल ब्रांच एन आई टी लावा तो मिल सकता है आपको कैटेगरी, वो केमिकल ब्रांच मिल जाएगा आपको केमिकल इंजीनियरिंग से। आलोक रंजन ने पूछा, भाई ओबीसी रैंक दिस सीआरएल दिस
होम स्टेट बिहार भाई, क्या चांस है? चांस है भाई, देखते हैं, चांस है, फिल कीजिए जोसा में अच्छे से कॉलेजेस और चांस है काफ़ी। मनोज खरवार 68% मेरी NIT यूपी, 68% मेरी NIT यूपी, मेरे समझ में नहीं आया सेंट मेरी NIT, MNIT की बात करें नहीं मिलेगा यार आपको, काफ़ी कम है। नेक्स्ट अंडर CRL दिस SC कैन आई गेट गवर्नमेंट IPU कॉलेज, मिल जाएगा यार आपको IPU कॉलेज मिल जाएगा। नेक्स्ट विजय ठाकरे, सर आई हैव गॉट 60% JEE Mains स्टेट महाराष्ट्र, SC कैन आई गेट NIT नागपुर? NIT तो मुश्किल है यार, NIT मुश्किल है, नहीं मिलेगा। पहलप्रीत सिंह, सर स्टेट पंजाब के ऊपर भी वीडियो पोस्ट करो। ओके पहलप्रीत सिंह, सर आई एम फ्रॉम पंजाब, माई परसेंटाइल 82.9 से, आई एम फ्रॉम जनरल कैटेगरी, व्हाट शुड आई? यार मैं पंजाब के लिए वीडियो भी बना दूंगा, जो भी बताऊंगा आपके लिए परसेंटाइल वाइज कॉलेज। दर्पण सिंह 95% ये इनकी रैंक आई है, यूपी प्लीज सजेस्ट कॉलेज। तो आपकी 95% पे यार इतनी रैंक कैसे आई है, कम मेरे समझ में नहीं आ रहा, हो सकता है इनकी 12th की परसेंट हो। नेक्स्ट देखते हैं मेरीना सानी 87% एंड बिलोंग्स टू उड़ीसा, विच कॉलेज आई प्रेफर? उड़ीसा के कॉलेजेस की मैं सोच रहा हूँ वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मैंने शायद से उड़ीसा के कॉलेजेस की वीडियो नहीं बनाई है, जहाँ तक मुझे याद है मैंने असम की बना रखी है, उड़ीसा की नहीं बनाई, तो मैं वीडियो बनाऊँगा आपके लिए जब आप देखना उसमें। यूपी कॉलेज सर फी क्या है? यूपी कॉलेज की वीडियो बनानी है, फ़ी किस चीज़ की पूछ रहे हैं ये, फीस मुझे पता नहीं आप किस चीज़ की पूछ रहे हो। सरिता रानी, अगर आप उसकी पूछ रहे हो जोसा काउंसलिंग की, तो जोसा में यार रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है, जब आप सीट एक्सेप्ट करो तो सीट एक्सेप्टेंस फीस है आपकी 35,000 फॉर जनरल एंड OBC एंड 15,000 फॉर SC एंड ST। और यार किसी का EWS कैंडिडेट का कमेंट आया था कि EWS की फीस क्या है, तो EWS की यार लास्ट ईयर था नहीं, इस ईयर आ रहा है और ऐसा कुछ फिक्स पता नहीं है, लेकिन हो सकता है 35,000 हो जनरल के बराबर और OBC के बराबर ही हो, क्योंकि ज़्यादा कम तो नहीं होगी, तो यही आप लेके चलें, बाकी देखते हैं। सरिता रानी, आई गॉट 89.54% विच कॉलेज आई शुड फिल एंड आई एम फ्रॉम पंजाब बट आई डू माई 12th इन चंडीगढ़ एंड कैटेगरी जनरल। ओके तो पंजाब में यार आप PEC भी ट्राई कर सकते हैं, आपको थापड़ इजीली मिल जाएगा, और बाकी जोसा में ट्राई कीजिए कॉलेज। नेक्स्ट है किशितिज पाल, और आपका 86.3% आई बिलोंग टू UP, काइंडली गिव सम सीरियस सजेशंस अबाउट गवर्नमेंट कॉलेजेस ओनली। या गवर्नमेंट कॉलेजेस का मैं आपको इंडिविजुअली ऐसे नहीं दे पाऊंगा, वीडियो ही बनाऊंगा मैं आपके लिए, वीडियो बना दूंगा। गवर्नमेंट कॉलेज, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज हुए, गवर्नमेंट कॉलेज, इनकी सबको ज़रूरत है, सबके लिए वीडियो आएगी। हरियाणा के ऊपर बना देंगे, थैंक्स फॉर सजेशन। नेक्स्ट, क्या हम सी सैप के लिए अप्लाई कर सकते हैं इफ़ वी हैव ओनली फिल्ड JSE नॉट जोसा? और मैं कहूँगा जोसा काउंसिल आप फिल क्यों नहीं कर रहे, जब रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है तो आप सब फिल करो, मैं ये कहूँगा एटलीस्ट फिल जरूर करो जब कोई फीस नहीं है। नेक्स्ट अमित पवार, परसेंटाइल 83.96 कैटेगरी जनरल होम स्टेट उत्तराखंड, विच NIT IIIT कैन आई गेट? NIT हो सकता है आपको अपनी स्टेट का NIT मिल जाए, नहीं मिले तो CSAP से ट्राई करना, बाकी IIIT यार लोअर हैं, लोअर NIT से मिल जाएंगे आपको। नॉर्थ ईस्ट के NIT IIIT हैं, IIIT भागलपुर है, IIIT भोपाल है, यही सब IIIT हैं, लोअर NIT नॉर्थ ईस्ट के हैं। नेक्स्ट अनुभव सिंह ने पूछा है होम स्टेट झारखंड परसेंटाइल ये दिस एंड दिस रैंक आई विश टू गेट एनी सीट इन NIT IIIT बिट मेसरा थ्रू CSAP स्पेशल, और मिल जाएगी यार आपको बिट मेसरा मिल जाएगा, एंड आई सजेस्ट यू कैन टेक बिट मेसरा। ज्ञान श्री रेड्डी ने पूछा माई परसेंटाइल 95.6 जनरल कैटेगरी आंध्र प्रदेश स्टेट रैंक दिस, विच बेस्ट कॉलेज कैन आई गेट? या आंध्र आपको ट्राई करना चाहिए NIT के लिए, आपको NIT आंध्र प्रदेश मिल सकता है। ओके तो आज के लिए इतने ही कमेंट्स है यार, मुझे पता काफ़ी सारे कमेंट्स रह गए हैं, तो वो फिर कमेंट करना इस सेक्शन में, जो इसका इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जिनके कमेंट्स रह गए हैं, और जिन्हें कोई भी डाउट हो वो भी कमेंट सेक्शन में पूछो, आगे किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए वो ही पूछो। और अब थोड़ा कंटिन्यूटी में वीडियो आएंगी, 4 to 5 वीडियोज़ पर डे निकालने की कोशिश करूँगा, जैसा कि मैं पहले निकालता आया हूँ। अब कुछ दिनों से ऐसा हो गया था तो एक वीडियो निकाल पा रहा था, कोई दिन खाली भी चला गया था, तो ये मैं नहीं करूँगा, अब आपके लिए कंटिन्यू वीडियो लाऊँगा, और इसके लिए सॉरी कहना चाहूँगा आप लोगों से, यार वीडियो नहीं आ पा रही थी। तो इस वीडियो को शेयर करें, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं आपके फ्रेंड्स हैं सबके शेयर करें, सबके डाउट्स क्लियर होंगे, वीडियो लाइक कर दें, और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़रूरत है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि आपके लिए काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियोज़ आएंगी, तो यार आप कुछ गलती नहीं करोगे, आपकी सारी चीज़ क्लियर होंगी। अभी आप सब्सक्राइब करोगे तो जब भी आपका फ़ायदा बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको बिना बेल आइकन प्रेस किए, और बेल आइकन प्रेस करने का तो वो ऑल का साइन आएगा, ऑल पे क्लिक करना है, ऑल पे, यानी कि हमेशा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।